दुनिया भर में कोरोना की कई वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, जिसमें से अभी 7 वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के अंतिम चरण में पहुंच चुका है। लेकिन इन सबके बीच तेजी से बनाई जा रही इन वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। यहां तक कि ये भी कहा जा रहा है कि कई देश वैक्सीन के जरिए राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश में लगे हुए हैं। चीन को लेकर ये बात सामने आ रही है कि चीन अपनी वैक्सीन के जरिए कूटनीति की रणनीति पर भी काम करने की योजना बना रहा है। चीन सबसे पहले अपनी वैक्सीन फिलीपींस, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को देने का वादा कर चुका है। इसके साथ ही चीन का कहना है कि वो अपनी वैक्सीन को लेकर इतना आश्वस्त है कि उसे क्लिनिकल स्टडी के नतीजों का इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है। चीन में अधिकारियों को क्लिनिकल स्टडी के नतीजे आने के एक महीने पहले से ही वैक्सीन दी जा रही है। खबरों के मुताबिक यहां पर सैनिकों, बिजनेसमैन और स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहे लोगों में इन्फेक्शन के खतरे को ज्यादा देखते हुए वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है। खबर ये भी है कि चीन अब ये वैक्सीन अब वहाँ के ट्रांसपोर्ट और सेवा विभाग से जुड़े कर्मचारियों को भी जल्द ही देने वाली है। लेकिन इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाले इन वैक्सीन पर तरह तरह के सवाल भी उठने लगे हैं। कई स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि बिना टेस्ट की हुई वैक्सीन सही तरीके से काम करेगी या नहीं। इस वैक्सीन को लगवाने वाले लोग ये समझेंगे कि अब वो वायरस से सुरक्षित है, जबकि ऐसा सोचना और खतरनाक हो सकता है। ये अनजाने में जोखिम बढ़ाने वाला काम है। हालांकि चीन की सरकार की तरफ से इस बात की ठीक ठीक जानकारी नहीं दी गई है कि लोगों को कौन सी वैक्सीन दी जा रही है और अब तक कितने लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। वहीं बर्नस्टीन रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास 2021 की शुरुआत में कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध होगी। इसके साथ ही रिपोर्ट में पुणे स्थित दुनिया के सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनियों में से एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की क्षमता को भी सराहा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया साल 2021 में 60 करोड़ खुराक और साल 2022 में 100 करोड़ खुराक की आपूर्ति कर सकती है। ऐसे ही तमाम कोरोना वायरस से जुड़े अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें पर्यावरण पोस्ट। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।